यरुंडी, यही हुआ था रोमांटिक एंगेजमेंट। वो यहाँ था, मैं यहाँ पे थी, शैलेश भाई, नीलेश भाई और निमिषा भाभी इधर, और वो क्या नाम है उसका? नाम जरूरी है मैम? हो गया ना, आपकी सारी फैमिली यहाँ चिपक कर बैठी थी और सबके बीच में आपकी रोमांटिक एंगेजमेंट हुई, लेकिन रिंग कहाँ गिरी फिर? वो याद कर रही हूँ ने, एंड नो नीड टू बी सरकास्टिक, हाँ बहुत रोमांटिक था वो। इधर से आया ऐसे ऑन हिज नीज, हाँ, और मैंने ऐसे हाथ दिया, उसने रिंग पहनाए और वाला रिएक्शन दिया मैंने, और फिर सब क्लैप करने लगे, और हाँ फिर मुझे यहाँ पे बुलाया रिंग दिखाने को, तो मैं रिंग दिखा रही थी और रिंग थोड़ा लूज था, तो निमिषा भाभी ने कहा कि अभी रख दे अंदर, इंडिया जाके टाइट करा लेंगे। यस, तो यहीं पे कहीं। मैम, स्टाफ ने आज ही साफ किया है, कुछ नहीं मिला। हाउ इट इज पॉसिबल, यहीं पर गिरा था, अच्छे से याद है मुझे। याद है मतलब? ये तो कल रात की बात है ना, तो याद मतलब? लास्ट टाइम उठाए थे नहीं? हाँ? नहीं, लैंड किए थे ना यहाँ एम्स्टर्डम में, तुम इसी होटल में तो लाए थे हमको, उसी रात को हमने डिनर किया था यहाँ पे, तभी तो हुई थी मेरी एंगेजमेंट। क्या कर रहे हो? आपकी फ्लाइट बुक कर रहा हूँ आज रात के लिए। पर मैंने बोला ना, मैं रिंग लिए बिना नहीं जाऊंगी। रिंग लिए बिना नहीं जाएंगे तो भटकते रहेंगे इधर उधर, हाई सीजन में कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, जो करना है करे, कूचो निकले खटे मरे, मैं अम्बल नहीं, मैं अम्बल। मैं अब जा रहा हूँ। पर मैं फुल डे पेमेंट कर रही हूँ। अरे आप अपनी पेमेंट को लेके ना ऐसा करते हैं, यहीं पे बैठ के ना आराम से पूरा दिन बिताते हैं फुल। आप कॉफी लेंगे? यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है, डोंट वरी, पेमेंट मैं करूंगा, इट्स फ्री। I don't take coffee. Caffeine बहुत होता है। Espresso please. One. You know अभी क्या हुआ है? अभी जो तुम ये सब nonsense कर रहे थे ना, उसमें मुझे याद आ गया कि मेरी ring actual में किधर गिरी है। हाँ, पता है कहाँ? लेकिन आप जरूर बताएंगे। हाँ, हम वो day trip में गए थे ना, ship में, जहाँ वो चीज़ बनाने का factory था और वो painting का museum, वहाँ। And I have photo on iPad. याद आ गया, रिंग इधर नहीं गिरी थी, सॉरी। हाँ चलो उधर जाते। आपका नाम क्या है मैम? रुपेन को बताया था ना वो दिन? हाँ, मगर रुपेन अभी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहे हैं ना, तो इस बार आप ही को बताना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है। तो क्या है? सेजल। सेजल का मतलब है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, सच्ची मैं सेजल से चला लूंगा। तो सेजल, आज के लिए मुझे पेमेंट देने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, ऑल द बेस्ट नेश। तो तुम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। मतलब कि तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी मुझे। एक सेकेंड, कहाँ है तुम्हारी कंपनी का मेल आईडी? मैम, मैम, ये फेयर बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल फेयर ही नहीं। तुम्हारी तो स्प्लिट पर्सनालिटी है, मुझे तो फंसा दिया तुमने, कंप्लेंट तो मैं लिखाऊंगी। अब मेरी बात समझने की कोशिश की, जैसे आपके ग्रुप की बुकिंग थी ना हमारे साथ, अब किसी दूसरे ग्रुप की बुकिंग है हमारे साथ। कौन सा ग्रुप? अरे आपको क्या मतलब कौन सा ग्रुप? क्योंकि कोई ग्रुप है ही नहीं, ये सब एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज। हां है, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज है ये। पिछले एक महीने से मैं आपके ग्रुप के लिए अटेंशन में खड़ा, टिकट, बस, ट्रेन, टेलीफोन, इंडियन रेस्टोरेंट, सैनिटरी नैपकिन तक ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, बट नो मोर। तो एक और दिन में क्या प्रॉब्लम है? एक दिन कैसे, एक महीना क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूँ पूरा राउंड ट्रिप क्यों नहीं हर उस जगह का जहाँ पर हम टूर पे गए थे, क्योंकि आपको तो आइडिया ही नहीं है कि आप क्यों नहीं रहता। अभी आप कह रही थी सोफे के नीचे घुसी हुई, कल कहीं वहाँ पे वियना में, प्राग में, पूरा पेस्ट फट जाना। गुड फॉर यू ने, तुमको तो डेली पेमेंट मिल रही है, और करना क्या है? हाँ, एक सिटी में जाओ, दो तीन जगह में मेरी रिंग ढूंढो, कुछ फोन कॉल, दो तीन घंटे में काम खत्म, और उसके बाद तुम्हारा टाइम, नो टेंशन, ओनली रिलैक्सेशन। अरे ये तो पेड हॉलीडे है तुम्हारा। एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स योर प्रॉब्लम। हां